देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। क्या खतरनाक भीड़ है भाई। अब यहाँ पे आप भीड़ देखते जाइए। यहाँ से राइट साइड के जन्मभूमि पर जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको दिखाएंगे अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरीके से मतलब उमड़ती है। श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ कि आप भी देख के कहेंगे। तो अभी हम चलेंगे वहाँ से, रामपथ मार्ग स्टार्ट है। अभी देख सकते हैं हम खड़े हुए हैं लता मंगेशकर चौराहे पे। तो आज संडे है और ये वीडियो हमने कल की डेट में शूट की थी, 7 अप्रैल के डेट में। तो चलिए अभी हम चलते हैं, इधर दिखाते हैं, इधर की सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये भाई देखिए कितने दूर से उसकी फ़ोटो खींचा, वहाँ सूर्य देवता बने हुए हैं बहुत ही अच्छे। और ऐसे ही कई सारे फोटोग्राफर यहाँ पे मतलब रहते हैं कि जिसको फ़ोटो क्लिक कराना है वो कराए। और पीछे आप देख सकते हैं ये सूर्यास्तम, जो कि हमने कल आपको धर्मपथ का अपडेट दिया हुआ था। ये देखिए भाई का पोज। चलिए हम इधर से निकलते हैं। देखिए कितनी सारे श्रद्धालुओं की भीड़ है। इधर राम की पैड़ी सामने, जहाँ पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ था। अब बताइए कितना ज़्यादा पतला मार्ग है, मतलब पतला मार्ग था पहले, अब कितना ज़्यादा वाइडर होने के बावजूद भी मतलब ये कम पड़ रहा है। ये देखिए कृपया कैंसर पीड़ितों के लिए मदद करें, ये लोग भी खड़े हैं। चलो सही है, जिसको मदद करना है वो कर रहा। यहाँ पे पब्लिक सुलभ टॉयलेट एक। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे देखिएगा कितनी ज़्यादा भीड़। भक्ति पथ मार्ग के पास संडे को तो भीड़ रहती है, और सैटरडे और ट्यूसडे उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब इसी में ये दुबग्गा डिपो भी जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक बस को इधर से चला रहे हैं, इतने भीड़ में भी सही है। जो कि थोड़ा बहुत जाम, थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है। तुलसी उद्यान के पास आ गए हैं दोस्तों हम। बस दोस्तों दोनों ही साइड देखते रहिए आप, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की। और इसी में अनाउंस भी हो रहा है, जैसे कोई खो जा रहा है तो जाके वो कंट्रोल रूम के पास कहता है कि अनाउंस करवा दीजिए, तो अनाउंस करते हैं लोग। देखिए पुलिस की गश्त भी हो रही है इसी में, इधर के साइड भी देख सकते हैं आप, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। अयोध्या में अब भंडारे ही मतलब पूरे ख़त्म हो गए हैं। शिवा मावा राम मंदिर जो है उसी में इस समय डेली जो है वो फ्री अन्न मिलता है प्रसाद के रूप में प्रभु श्री राम जी का। निकलते हैं दुबग्गा डिपो से आगे। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की। अभी भक्ति पथमार के पास, जन्मभूमि पथमार के पास तो नेक्स्ट लेवल भीड़ रहती है। और अभी भी देखिए निर्माण कार्य बहुत से मतलब हो ही रहे हैं। Thank you.
देखिए यहाँ पोस्ट ऑफिस चौराहे के पास आ गए हैं। देखिए दोस्तों ये वाला जो मार्ग आपको दिख रहा है ये सीधा आपको निकलेगा जहाँ पे हमने आपको अपडेट दिया हुआ था वो अंडर पास का, उधर ही से होते अचारी का सगरा सीधा। अब यहाँ पे भीड़ आप देखिए क्या खतरनाक भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़। इधर ये भक्ति पथ मार्ग है और आगे अभी जन्मभूमि पथ मार्ग है। दोनों पे कुछ नए वर्क स्टार्ट हुए हैं, उसके बारे में भी आपको जल्दी अपडेट देते हैं। बीच में शायद रेलिंग का काम हो रहा है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। क्या खतरनाक भीड़ है भाई। अब यहाँ पे ये है कि पहले हनुमान जी का दर्शन, फिर उसके बाद प्रभु श्री राम जी का दर्शन। देखिए कितना ज्यादा भक्त लोग हैं। अभी भी देखिए काम हो रहा है वहां सब दुकानों पे। चलो मजिस्ट्रेट साहब धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, उनकी गाड़ी तो थोड़ा सा जाम में हो सकता है राहत मिल जाएगा। निकाल लो भैया गाड़ी। देखिए यहाँ पे पुलिस वाले लोग बैठे हुए हैं, इधर के साइड देख सकते हैं कितने पुलिस वाले बैठे हुए हैं। आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है इधर का ये पूरा एरिया। अब हम आ गए हैं जन्मभूमि पथ के पास। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बेकरी की दुकान खुली है, भरत राम जी। देखिए यहाँ पे ये कुछ बन रहा है एकदम ठीक जन्मभूमि पथ के सामने। अबे भाई कितना ज़्यादा इसी में भीड़ और इसी में मतलब कि इलेक्ट्रिक बस, बाइक, फोर व्हीलर, देखिए इसी पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पे आप भीड़ देखते जाइए। यहाँ से राइट साइड पे जन्मभूमि पथ, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। देखिए नए निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, पूरा जो है कैनोपी बड़े बड़े और लगाए जा रहे हैं। देते हैं इसका अपडेट आपको जल्दी ही जन्मभूमि पथ का। और ठीक जन्मभूमि पथ के सामने बिरला मंदिर, बिरला धर्मशाला। बहुत ज़्यादा भीड़। अब देखिए श्रद्धालु लोग दर्शन करके इधर से निकल रहे हैं। क्या भीड़ है भाई,
चलिए मजिस्ट्रेट साहब के ही पीछे पीछे चलते हैं धीरे धीरे। अब आगे से ही दोस्तों ये अयोध्या धाम जंक्शन है, जिसका कि अपडेट हमने आपको चौड़ीकरण का दिया हुआ था। बस इसी के नागने के बाद जाम ख़त्म हो जाता है, जैसे ही वो वाला रेलवे स्टेशन वाला मार्ग क्रॉस किया गया है। आओ निकला जाए इधर ही से, अर्जी में ही खड़ा है। देखिए दोस्तों, ये है रेलवे स्टेशन मार्ग अयोध्या धाम जंक्शन, और इधर ये श्री राम चिकित्सालय। चलिए आप देखिए इधर से फिर जाम ये कम हो जाता है एकदम। देखिए साफ सफाई भी इधर हो रही है। अब देखिए एकदम से जाम से निजात मिल चुका है। तो जो भक्ति पथ था और जन्मभूमि पथ के बीच में बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़। देखिए कई सारे VIP गेट हैं, ये है बैरियर नंबर 3। इधर से जाएंगे तो भी आप राम मंदिर में, जो मतलब आम आदमी नहीं जो VIP है। और पूरे देखिए वहाँ तक उदिया चौराहे तक ये जो है लोहे की जो है रेलिंग लगाई गई है। अब देखिए गेट नंबर ये है एक, जिस पे कि नाम ही नहीं लिखा है कौन सा गेट नंबर है। गेट नंबर शायद ये 10 है, इधर लिखा हुआ है गेट, नहीं गेट नंबर 11 था वो पीछे। अब देखा इधर इधर एकदम नॉर्मल है, जितनी भी भीड़ आती है लता मंगेशकर चौराहे से और पूरा जो है जन्मभूमि पथ मतलब रेलवे स्टेशन मार्ग तक, दो ही रास्ते से जो है श्रद्धालु अधिकतर आते हैं। और यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग और मल्टी लेवल शॉप्स बनाए गए हैं ये गुरु असिस्ट चौराहे के पास। ये आ गए हम, आप इधर से ये पीछे वाले रास्ते से आप जाएंगे तो भी आप पीछे पीछे राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं VIP वाला। देखिए इधर से जो मार्ग गया हुआ है ऊपर देख सकते हैं, गोरखपुर टू लखनऊ मतलब सीधा NH 27 पे चले जाएंगे फ्लाईओवर के ऊपर। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बनाया गया है, एक साइड का तो बंद ही किया गया है। देखिए सबरी रसोई यहाँ पे, ये कितना अच्छा बनाया गया है। गुरु वशिष्ठ चौक, ये गाड़ियाँ वगैरह ये पूरा मतलब 4-5 फ्लोर तक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ किसी और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।